ये देखें ये चील आई हुई है यार ऊपर, ये देखें यहाँ पे ऊपर ऊपर घूम रही है, ये चेक करें यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और यहां पे देखिए जबरदस्त सा लेवल हुआ पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा दोस्तों पानी इसके ऊपर खड़ा नहीं हुआ, सारा पानी बैक साइड पे नीचे गिरा है और हमारे सारे परिंदे भी माशाल्लाह से आज बिल्कुल सेफ है। पहले आपको पता है कि यहाँ से पानी नीचे आता था और आज ये पहले के निशान है जब पहले बारिश आई थी, तो इस दफ़ा दोस्तों बारिश का पानी नीचे नहीं आया, सारे केज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। तो बाकी यार हमारा ये वाला केज बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं जाता। उसकी वजह ये है कि यहाँ से देखें दोस्तों ये PVC शीट मैंने लगाई हुई है इसके अंदर और इसके ऊपर फिर जो है ये वुडिंग का काम हुआ, लकड़ें लगाई हुई हैं। इसके अंदर दोस्तों पानी जाना बहुत मुश्किल है, ये जब ख़राब होगी कुछ अरसा निकालेगी तो फिर ही पानी जा सकता है, वैसे इसके अंदर पानी नहीं जाता। वैसे हमारे कबूतर बिल्कुल सेफ हैं, ये चेक करें सारे गोलू मोलू अपने अपने केज के अंदर बैठे हुए हैं। आज यार ये देखें ये बच्चों के साथ नहीं बैठे हुए, फीमेल और मेल एक बॉक्स में अलग से बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से ये देखें यार बच्चे इनके, माशाल्लाह इनके बच्चों के ना पंख निकलना शुरू हो गए दोस्तों, ये चेक करें। ओ भाई ये तो बहुत जकड़ लिया है, पाँव के साथ जोर से पकड़ दिया यार नीचे, भोसे को ऐसे पकड़ लिया ना छोड़ नहीं रहे ये। उसके दूसरे के। किसके? वो वाले के लेके आओ, उसको भी बाहर ले आओ, इसको यहाँ पे रखते हैं इसके ऊपर। ये तो कबूतर हमारे भी बाहर आ गए सारे, इनको भी दाना पानी करवाते हैं और हमारे पिजन्स के बच्चे माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत खूबसूरत और प्यारे होते जा रहे हैं। शराजी कबूतर हैं भाई, मम्मी को है टेल करना ना उसका। हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे शराजी कबूतर हैं अपने, हाँ मैंने इसको अपने साथ रख लेना। हाँ तो रख लो ये आपके ही हैं दोस्तों, हैंडटेल भी हो जाते हैं बहुत आसानी से, खास करके शराजी पिजन जो है ना उनके कोई भी बच्चा लेके आप हैंडटेल करवा सकते हो। तो ऐसा करो आप एक अपने साथ रखा करो, इसको दाना पानी करवाया करो तो आपके साथ लग जाएगा, लेकिन अभी छोटा है यार फाहद भाई। ये देखें ये चील आई हुई है यार ऊपर, ये देखें यहाँ पे ये हमने रखा हुआ है, एकदम से ऊपर से आई है और इसको उठाने की कोशिश की है। यार फाहद इसको वापस रखो जल्दी से, वो चली गई है। ओ यार ये देखें ये बिल्कुल ऊपर ऊपर घूम रही है, ये चेक करें यार। अभी इसमें हमारे बच्चों का काम तमाम कर दिया। ओ भाई बहुत मुश्किल से बचाया है, मैं और फाहद बातों में मगन थे, एकदम से ये देखे फिर आ गई है, ऊपर से आई है, ऐसे ऐसे आई है, छू कर दी ऊपर को भाग गई है। कबूतर का बच्चा बहुत मुश्किल से बचा है यार, फाहद अभी ले जाना था उसने। हाँ यार रात को जब बारिश आई थी तो यहाँ से आपको पता है अभी तक हमने छत नहीं डाली, तो फाइनली यार आज हम ना इनकी लकड़ें लेके आते हैं और इसके ऊपर छत डाल देते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों चार दिन बारिश बताई हुई है, हमारे रैबिट भी यहाँ पे होते हैं और हमारी लाल मुर्गी भी यहाँ पे होती है। रात को मुर्गी भी नीचे ले गए थे और रैबिट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, ये तितरियों वाले केज में वापस वो बैठे हुए हैं कोने में बेचारे, ये देखें। ये बेचारा नीचे इसको नहीं लाए यार, इसको मैं शाम को ना नीचे ले गया था इस वजह से कि यार इन दूसरे कबूतर इसको बहुत मारते हैं, ये देखें पहले गंजा कर दिया हुआ है लेकिन अभी जो है ना इसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, ये चेक करो यार। पायोडीन लगाई थी ना तो शाम को आपने? लगाई थी मैंने इधर भी नीचे। हाँ तो ये दोस्तों ये कबूतर मैं अलग से बंद कर रहा हूँ, आपको पता ही है दिन को भी अलग से होता है और शाम को भी मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, सुबह के टाइम फिर ऊपर ले आते हैं दाना वाना खा के, तो फिर शाम को नीचे ले जाते हैं यार, जब तक ये ठीक नहीं होता ना तो यही काम चलता रहेगा। चलो बहुत है। हाँ बहुत है, इसमें पानी डालो, थोड़ी भिगो के थोड़ी देर रखो फिर दाना डालते हैं इनके आगे। हमारे केज के जितने भी दरवाजे हैं ना यहाँ पे और वहाँ पे किसी के ऊपर भी दस्तियाँ नहीं लगी पकड़ने वाली, ये एक्स्ट्रा दस्तियाँ घर में ओल्ड पड़ी हुई थी तो यही फाइनली हम ना केज के दरवाजों को लगा देते हैं। एक एक पेच ही बहुत है कि ऊपर लगा देते हैं एक नीचे लगा देते हैं, ये रस्सी लगा दी इसको भी लगा देते हैं।
सबर करो, आप मुर्गी बाहर आने की कर रही है, बस दो मिनट वेट, बाहर निकाल के आप। केज के तीनों दरवाजों को दस्तियां लग गई हैं। अब ये है कि यार आसानी से हम इसको खोल सकते हैं यहाँ से पकड़े, वैसे यहाँ से हम पकड़ते थे कभी हाथ स्लिप हो जाता था कभी कुछ, तो इस वजह से ना अभी बहुत आसानी है। ये चेक करें, इस तरीके से आराम से खोलेंगे और आराम से बंद करेंगे। काफ़ी टाइम से दोस्तों हमने दाना मंगवाया था, अभी देखें पानी इस दानों में जज़ब हो गया है, तो अभी हम फाइनली पिजन के आगे डाल देते हैं। यार ये ऊपर ऊपर क्या है, कचरा आ जाता है यार, गंदा में जो कचरा होता है ना, ये हमारे घर की गंदम है, ये बाजार से नहीं हम लेके आए, तो इस वजह से जो है ना ये कचरा ऊपर आया पड़ा है। ये चेक करें ये वाला पानी यार निकाल लेते हैं, कचरा भी नीचे चला दोस्तों। आज बारिश की वजह से ना थोड़ा ठंडा मौसम है, और यहाँ पे स्वीटी और स्वीटी का पप्पी देखें एक दूसरे को ना क्लोज करके बैठे हुए हैं। ये चेक करें कहाँ पे गुस्सा हुआ स्वीटी का पप्पी, वे गंदे बच्चे किस तरह देख रहे हैं यार, वे कहाँ पे गुस्सी हुई, ठंड लग रही है आज, ठंड लग रही है, कहाँ से मुंह निकाला हुआ भाई लेग्स के नीचे से, चलो बैठे लो बैठे लो, उठ गया यार बैठ जाओ। ओए तू कहां पे आ गया गोलू मोलू, आ जाओ यार, इसको ना गोलू मोलू के नाम से पकारते हैं, इसका नाम डिसाइड करना है यार, कोई प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में बता दो इसके लिए, जो हम इसका प्यारा सा नाम रखें और उस नाम से इसको रोज़ पुकारा करें, ताकि इसको भी पता हो यार मेरा ये नाम है। और हमारे इस वाले डोगी की ना ये खासियत है, देखें सात कबूतर दाना खा रहे हैं, पास ये खड़ा है, कबूतरों के ऊपर किसी परिंदे के ऊपर ये अटैक नहीं करता, मतलब कि इसकी अटैक करने के बजाय इनकी रखवाली रखता है, बिल्ली को नहीं यहाँ पर आने देता, किसी और चीज़ को नहीं आने देता। अब ये देखें मस्तियाँ चढ़ गई हैं इसको, यहाँ पे हमारा गोलू बैठ के ना कबूतरों को केज को देख रहा है। ये चेक करें, आ जाओ, ये यार अंडा दिया इसने माशाल्लाह, अभी रोज का एक अंडा दे रही है हमारी मुर्गी, मतलब कि नाका नहीं डाल रही। फहद खुशखबरी है आपके लिए कितने अंडे हो गए इसके, तकरीबन 6-7 हो गए, कंफर्म नहीं है 6 या 7 इतने तो हो गए माशाल्लाह से, 6-7 अंडे हो गए हमारी ये देसी मुर्गी के। हमारी गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ अंडे तो दे रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यार ये कुड़क भी होती है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कुड़क होती हैं या अंडे ही देती हैं। ये पानी यार शाम का पड़ा हुआ है, इसको नीचे डाल देते हैं और फ्रेश पानी कबूतरों के आगे डाल देते हैं। अभी दोस्तों देखना यार ये ऊपर आएगी, ये देखिए आज भूख लगी हुई है हमारी मुर्गी को यार, वही तुम क्यों मार रहे हो उसको, चलो उधर यार ये देखो, जब भी ये मुर्गी बाहर निकालता हो ना वाइट हमारा लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं यार, उधर जाए खाओ आप, इधर आओ ये खाओ। हमारी दोस्तों काली मुर्गी हाथ में भी बहुत शौक से खाती है, हमारी मैना दाना खाने के लिए आ गई है, तो इसके आगे भी दाना डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं, अभी यहां पे आके खा लेंगी। ये आ गई है दोस्तों दोनों मैना, ये हमने रखी हुई है, मतलब कि अपने सेटअप के ऊपर फिट कर लिए यार,
ये रोज आके दाना खाती है। अभी दोस्तों इनको मैं दाना डालता हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। रफात इनके आगे ना पानी भी रख देती है, जल्दी से ना छोटे से कटोरे में पानी लेके आओ। ओ चली गई है यार, आपसे डर के चली गई है, इधर हो जाओ। पानी खैर यार बारिश से भी पी लेंगे, कोई मसला नहीं है, दाना तो खाएं यहाँ से। डक्स के स्विमिंग पूल में बारिश का पानी फिर से जमा हो गया, ये चेक करें यार। और यहाँ पे दोस्तों शुक्र है कि रात को हमने मिट्टी डाल दी थी, अगर मिट्टी ना डालते तो ये ऊपर जो कपड़ा हमने लगाया और छापड़ लगाया ना, ये उड़ जाना था हवा के साथ और नीचे खेतों में गिर जाना था। अब खेतों में नहीं, जितनी तेज हवा थी ये पता नहीं कहाँ चला जाता उठ के। तो फाइनली ये मिट्टी की वजह से ना यहाँ पे सेफ है। हमारे घर के साथ ही अंकल की हवेली है, वहाँ पर उन्होंने गायें भैंसे और बकरियाँ रखी हुई हैं, वो सामने चेक करें। यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है बकरा बांधा हुआ है, बहुत ही प्यारा है और मेरी तरफ देखे जा रहा है, या कि उसको पता है कि मेरी वीडियो बन रही है। यार रात को इतनी तेज़ आंधी आई है, ये स्टेप बाई स्टेप हमारी गंदम फिर से यार नीचे गिर गई है। वहाँ से ठीक है और यहाँ से देखें इस तरफ से बिल्कुल एल बना हुआ है और सारी की सारी नीचे गिर गई हुई है यार। फीमेल दाना खा के अंदर चला गई है यार, और अभी इसने फीड करवानी है अपने बच्चों को, और बच्चों को भूख लगी है, ये देखिए कैसे फीड मांग रहे हैं अपनी मम्मा से। मम्मा इनकी फीड नहीं करवा रही अभी, हम साइड पे हो जाते हैं फिर करवाना शुरू कर देगी। ओए गोलू मोलू पीछे हो जाओ, आप क्या कर रहे हो, देख रहे यार ये वो दाना खा रहे हैं, ये उनको डरा रहा है शायद। ये लो यहाँ पे खाओ आप। कैसे देख रहा है उनको, ये चेक करो यार, ये हमारे रैबिट को देख रहा है दोस्तों। वो बिल्ली नहीं है, रैबिट है, आ जाओ इधर आ जाओ। खैर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है दोस्तों, एक इनाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।